हर हर महादेव एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय सियाराम। चलिए जानते हैं आप 12 राशि वालों के आज के दिन का हाल, 12 राशियों का राशिफल। उसके पहले चर्चा कर लेते हैं आज के दिन की। आज 2 मई है, दिन मंगलवार का है। आज त्रिपुष्कर योग बना हुआ है, बहुत सुंदर योग होता है। त्रिपुष्कर योग का अर्थ होता है कि यदि आप इस योग में कोई कार्य करते हैं, अपना जैसे बिजनेस आप ओपन कर रहे हैं, तो वो आपका 3 गुना और बढ़ जाएगा। जो भी आप काम करेंगे ना, उसमें आपको प्रॉफिट होता है। तो ऐसे में आज के दिन का आपको सभी को लाभ अवश्य उठाना चाहिए। पूरी डिटेल आपको मेरे पंचांग में मिल जाएगी। आज का पंचांग आप मेरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब चर्चा करते हैं आज के ग्रह गोचर की। आज मेष राशि में गुरु, राहु, बुध और सूर्यदेव हैं। मिथुन राशि में मंगल और शुक्र की युति आज बन जाएगी दोपहर में 1:30 बजे। अभी इस समय शुक्र वृषभ राशि में ही है, परंतु 1:30 बजे उनका गोचर मिथुन राशि में होने वाला है। मंगल के साथ उनकी युति हो जाएगी। चंद्रदेव आज कन्या राशि में है, चंद्रमा जी, और केतु तुला राशि में है। कुंभ राशि में शनिदेव है। तो ये है आज का ग्रह गोचर। इसी पर आधारित आप 12 राशि वालों के राशिफल की चर्चा करेंगे, साथ ही नक्षत्रों की भी चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। आज आपको आपकी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है, साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। सर्दी जुकाम जैसी तकलीफ आपको परेशान कर रही है। आप किसी से बिना बात के आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, किसी और के झगड़े में आप अपनी सलाह मशवरा नहीं देंगे, वरना आप खुद यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आज आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा है। जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बिजनेस में आपको सुंदर लाभ के योग बने हुए हैं। कार्यस्थल पर आपको सभी का सपोर्ट भी आज प्राप्त हो रहा है। आज मंगल और शुक्र की युति के कारण आप सभी को सलाह दी जाती है कि अपने उत्तेजनाओं पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और कहीं ना कहीं आपका मन भटक रहा है। ऐसे में आपको अपने मन पर संयम रखना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध रखें। जीवन साथी के साथ आपका आज दिन बहुत सुंदर व्यतीत होने वाला है। प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। जितने आप ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ाई करेंगे, उससे कहीं ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। आप सभी मेष राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 8 का यूज करें। आप सभी के लिए लकी कलर है पिंक। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, दिन बहुत सुंदर आपके लिए बना हुआ है। आज आप कहीं घूमने फिरने जाने के प्लान में हैं। आज आप अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन भी कर रहे हैं, साथ ही आज आपका मन थोड़ा सा यह चंचल हो रहा है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति है। ऐसे में मन में चंचलता आना संभव है। जीवन साथी के साथ बहुत सुंदर समय व्यतीत कर रहे हैं आप। आज आपको कहीं से अच्छी गुड न्यूज भी प्राप्त हो रही है। संतान की उन्नति को देख करके आप बहुत ज्यादा प्रसन्न है। जो 2 दिनों से आपके ऊपर बहुत चिंताएं थी व्यर्थ के, वो सभी आज दूर हो रही हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। दिन का पूरी तरह से लाभ उठाएं। बिजनेस में आपको लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, साथ ही कार्यस्थल पर भी आज यदि आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो प्रमोशन होने के योग बने हुए हैं। यात्राएं करने का भी योग है, यात्राओं में आज आपको लाभ होगा। आप सभी वृषभ राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 2 का यूज करें, और लकी कलर आप सभी के लिए है ग्रीन कलर। अब चर्चा करते हैं आप सभी मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। दिन का आपको चाहिए पूरी तरह से लाभ उठाएं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत सुंदर समय व्यतीत करें, और प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत सुंदर बना हुआ है। यदि आप अविवाहित है तो विवाह तय होने के यहाँ योग बने हुए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत सुंदर बना हुआ है। आज आपको आपके कार्यस्थल पर प्रशंसा सुनाई दे रही है, सभी आपके काम की प्रशंसा करें, साथ ही आज आपके मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति में भी बढ़ोतरी हो रही है।
बिजनेस में भी आप सभी के लिए बहुत सुंदर लाभ की स्थिति बनी हुई। केवल आपको नया डिसीजन सोच समझ करके लेने हैं। बड़े भाई बहनों के सपोर्ट से और मित्रों के सहयोग से आपके रुके हुए सभी कार्य वन बाय वन पूरे होते जा रहे हैं। आज केवल आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी अपने नीचे काम करने वाले के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, अन्यथा भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। आप सभी मिथुन राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन नंबर 7 का यूज करें और आपके लिए लकी कलर है येलो कलर। मिथुन राशि वालों को चाहिए, आपके भाग्य में शनि का गोचर हो रहा है, ऐसे में आपके सोसाइटी में जो वॉचमैन है या आपके बिल्डिंग में जो स्वीपर है, कहीं भी आपको स्वीपर या ऐसे गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं ना, तो उनकी सेवा अवश्य करें। उन्हें आप कुछ खाने की वस्तु का दान करें, ऐसा करने से आपका भाग्य आपको बहुत अच्छा सहयोग करेगा। चर्चा करते हैं आप कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। आप सभी को एक महीने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि आपका मन बहुत ज्यादा भटक रहा है, आपके मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची रहेगी। ऐसे में आप सभी को चाहिए कि हर रोज मेडिटेशन करें और अपने करेक्टर पे चरित्र पर ध्यान बनाए रखें। आप प्रेमी जोड़ों के लिए समय बहुत सुंदर है, साथ ही आप आज अपने पराक्रम से अपने सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करें। छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है, माता पिता का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। माता से आज आपको कोई गिफ्ट मिलने के योग बने हैं, परंतु माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखेंगे। आज आपको आपके पैरों में दर्द महसूस हो रहा है, साथ ही आपके यात्राओं के भी सुंदर योग बने हुए हैं, यात्राओं से लाभ हो रहा है। मूवी देखने के प्लान में हैं आज आप। आज अपने सानो शौकत पर अपने खुद के ऊपर आप पैसे खर्च कर रहे हैं। बुद्धि का सदुपयोग करके आज अपने ऑफिस में भी आप प्रशंसा के पात्र बन रहे हैं। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच समझ करके डिसीजन लेने की जरूरत है, परंतु भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, जिस कारण आपको विदेश से यदि आप जुड़े हुए बिजनेस करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वहाँ आपको लाभ की बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। आप सभी कर्क राशि वालों को चाहिए कि नंबर 4 का यूज करें, आपके लिए लकी कलर है व्हाइट। अब चर्चा करते हैं आप सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य में चली हुई समस्याएं काफी दिनों से जो चल रही थी आपको परेशान करके वो दूर हो रही है। जो चिंताएं लगी हुई थी लास्ट 2-3 दिनों से, वो भी आपके अब समाप्त होते हुए दिखाई दे रही हैं। आप परिवार के सदस्यों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है, रुके हुए सभी कार्य आपके बन रहे हैं, मित्रों का सहयोग बहुत सुंदर आपको प्राप्त हो रहा है। आज आपको लाभ की सुंदर स्थिति बनी हुई है। यदि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते तो वहाँ आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है। कैरियर में आज आपके शुभ समाचार मिलने के योग बने हुए, ट्रांसफर चाहते थे उसके भी बहुत सुंदर योग बन चुके हैं, साथ ही आपके रुके हुए सभी काम पूरे हो रहे हैं। बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में, तो यहाँ आपके रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर हो रहे हैं, रिश्तों से सारी खटास मिट रही है। जीवन साथी के साथ अभी भी आपको तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अच्छा समय कर सकते हैं, साथ ही यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से आपको लाभ के सुंदर योग बने, परंतु इन्वेस्टमेंट करते समय याद रखें कि आपको रिसर्च अच्छे से कर लेना है सभी विषयों पर। आप सभी सिंह राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 8 का यूज करें और आप सभी के लिए लकी कलर है व्हाइट। चर्चा करते हैं आप कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है, क्योंकि आज शुक्र गोचर आपके कर्म स्थान में हो रहा है, मंगल के साथ में युति बनी हुई है। इसका अर्थ है कि आज आप अपने पराक्रम से सभी कार्यों को सही समय पर समाप्त कर ले रहे हैं। आज आपको भाग्य का साथ बहुत अच्छे से मिला। जितना आप ज्यादा परिश्रम करेंगे, याद रखें एक महीने तक, उतना ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप मकान या वाहन खरीदना चाहते तो उसके सुंदर योग बने हुए हैं, धन आगमन के कहीं न कहीं से सुंदर योग बने हुए हैं। आय की स्थिति आप सभी के लिए बहुत सुंदर बनी हुई है। अब तक आपको जो भी हानि हो रही थी, उस हानि से अब आप बाहर निकल जाएंगे। आपके अच्छे धन लाभ के योग बन रहे, आय के नए नए स्रोत बन रहे। शत्रु अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं से सचेत रहें। साथ ही आपको आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान बनाए रखना है। प्रेमी जोड़ों के लिए अभी भी समय उतना अच्छा नहीं है, ऐसे में आपको अपने रिश्तों पर थोड़ा सा समय देना चाहिए। बिजनेस की बात करें तो आपको प्रॉफिट तो हो रहा है बहुत अच्छा, परंतु आपकी गलत डिसीजन आपको नुकसान नहीं पहुंचाए, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। डिसीजन सोच समझ करके लेंगे।
आप सभी कन्या राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन आप लकी नंबर 3 का यूज करें। आप सभी के लिए लकी कलर है व्हाइट और पिंक। अब चर्चा करते हैं आप तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, कुछ दिनों से आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे थे, अब आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं। आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेके आ रहा है, क्योंकि आज आपको यात्राएं करनी पड़ रही हैं आपके वर्क से रिलेटेड। वहां पर आपको आपके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना, ध्यान रखें कि आपका कहीं पर कोई सामान खो नहीं जाए। यदि आपकी संतान है तो आपको आपके संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना। साथ ही याद रखना है कि उनके साथ किसी बात को लेकर के तालमेल खराब नहीं हो, रिश्ते खराब नहीं हो। यदि बात करते हैं प्रेमी जोड़ों की, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। साथ ही आप सभी तुला राशि वालों का भाग्य काफी प्रबल है। इस समय भाग्य आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त कर रहा है। जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ रिजल्ट मिल रहे हैं। आय के नए नए स्रोत भी बन रहे हैं, परंतु इस समय आपके खर्च बढ़े हुए हैं, इस वजह से आप थोड़े से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पर चिंता नहीं करिए, स्थिति कुछ दिनों के लिए ही बनी हुई है। यदि आप जॉब चाहते थे तो आपके लिए जॉब के सुंदर योग बने हुए हैं। प्रमोशन चाहते थे या ट्रांसफर चाहते थे, उसके भी बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। आज वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा है कैरियर की बात करें तो, यहाँ पर इस वजह से आपको चिंताएं हो रही हैं, थोड़े से परेशान आप दिखाई दे रहे हैं। परंतु ये सिचुएशन भी केवल एक दिन के लिए ही है, उसके बाद चीजें नॉर्मल होने लग जाएंगी। आप सभी तुला राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 5 का यूज करें। लकी कलर आप सभी के लिए है स्काई ब्लू कलर। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। कुछ दिनों से आप बहुत ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि लोगों का बिहेवियर आपके प्रति उतना अच्छा नहीं था, न तो परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग प्राप्त हो रहा था। छोटी छोटी बातों की चिंताएं भी आपको हो रही थी, भाग्य साथ भी उतना नहीं मिल रहा था। परंतु अभी समस्याएं आपकी सॉल्व हो रही हैं। आज आपको सुंदर धन लाभ के योग बने हुए, आय के नए नए स्रोत बन रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान बनाए रखना है। आपको अपने कैरेक्टर पे भी विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ आपका मन भटक रहा है, जिस कारण से आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो सुंदर योग बने हुए हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, आपने कोई एग्जाम दे रखा तो वहां से आपको नंबर अच्छे आ रहे हैं, परंतु जितनी आपने अपेक्षा की थी उतने ज्यादा नहीं आ रहे, इस कारण आप थोड़े से चिंतित भी दिखाई दे सकते हैं। आप सभी वृश्चिक राशि वालों के दिन बहुत सुंदर है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आज आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, परंतु एक बात याद रखें, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अन्यथा यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। डिसीजन सोच समझ करके लें। आप सभी वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 4 का यूज करें। और लकी कलर आप सभी के लिए है व्हाइट कलर। चर्चा करते हैं आप धनुराशि वालों की। धनुराशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं बिजनेस की। यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो यहाँ आपको बहुत सुंदर लाभ के योग बने हुए हैं। आज आपका मूड थोड़ा सा रोमांटिक भी दिखाई दे रहा है। साथ ही आप अपने जीवन साथी साथ बहुत सुंदर समय व्यतीत कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो बीमारी से आप परेशान थे, वो बीमारी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है। आज बड़े भाई बहन के सहयोग से आपके रुके हुए काम बन रहे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में लाभ की स्थिति बनी हुई है। कैरियर की बात करें तो कैरियर में आपको बहुत सुंदर रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। सभी की ओर से आपको आज सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, साथ ही लोग आपके काम की प्रशंसा भी कर रहे हैं। धार्मिक यात्राओं पर जाने के आपके बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। आप सभी धनुराशि वालों को चाहिए कि आज के दिन नंबर 5 का यूज करें। आप सभी के लिए लकी कलर है येलो। अब चर्चा करते हैं आप मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आज का दिन तो आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। यदि आपका विवाह हो चुका है तो आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ गिफ्ट मिलने के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो यहाँ आपके विवाह तय होने के योग बनते हैं। विवाह से आपका भाग्योदय होने के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। साथ ही आपके आज पुराने रुके हुए सभी कार्य पूरे हो रहे हैं। आज यात्राओं पे जाने का सुंदर संयोग भी बना हुआ है। आज आपको आपके स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, जिस कारण से आपका मन आज प्रसन्न है। प्रेमी जोड़ों की बात करें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़े ज्यादा उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से आपके रिश्ते में यहाँ पर गड़बड़ी आ सकती है। आपको चाहिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें।
बिजनेस में आज आपके लिए बहुत सुंदर प्रॉफिट के योग बने हुए हैं। कार्यस्थल पर लोग आपके काम की चर्चा कर रहे हैं। यदि आप प्रमोशन चाहते थे या फिर ट्रांसफर चाहते थे, उसके भी बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। मकान वाहन खरीदने के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। आप सभी मकर राशि वालों को चाहिए कि नंबर 6 का यूज करें और आप सभी के लिए लकी कलर है ग्रीन कलर। अब चर्चा करते हैं हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। भाग्य का आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। भाग्य आपका बहुत प्रबल बना हुआ है। अपने पराक्रम के बल पर आप अपने सभी कार्यों को पूरा कर रहे हैं। कैरियर की चर्चा करें तो यहाँ पर आपको आपके आज ऑफिस में कोई गुड न्यूज मिलने के योग बने हुए हैं। बॉस आपके काम से खुश हैं, सभी आपके काम की प्रशंसा कर रहे हैं, आप स्वयं भी खुश हैं। परंतु आज आपको आपकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेहत आज आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, साथ ही पुराने शत्रु भी आपको थोड़े से परेशान कर रहे हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के झगड़े में टांग नहीं अड़ाएंगे, बीच में जाकर के आप वहां पर अपनी सलाह नहीं देंगे, अन्यथा आपको यहां प्रॉब्लम हो सकती है। आप सभी कुंभ राशि वालों को चाहिए कि आज नंबर 2 का यूज करें और साथ में आपके लकी कलर है पिंक कलर। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में यहाँ पर आपको सुंदर धन लाभ के योग बने हुए हैं। आज आपको चाहिए आप अपने बड़े भाई बहनों या किसी अपने मित्र से सलाह लेकर के फिर अपने बिजनेस के बारे में और भी ज्यादा प्लानिंग करें। अब चर्चा करते हैं आप सभी मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। आज आपके शत्रु अपने आप परास्त हो रहे हैं। जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान भी प्राप्त हो रहा है। माता का स्वास्थ्य भी अब बेटर हो रहा है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में, तो वहां आपके रिश्ते बहुत सुंदर बन रहे हैं। भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है। मकान वाहन खरीदने सुंदर योग बने हुए हैं। साथ ही आज आपके यात्राओं के भी सुंदर योग बने हुए हैं। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे फॉर हायर एजुकेशन, तो बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। यहाँ पर परिवार के सदस्यों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी का भी पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है। सभी मीन राशि वालों को चाहिए कि लकी नंबर 8 का यूज करें और लकी कलर आप सबके लिए है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे आप, आपके लिए उतना ज्यादा बेटर रहेगा। फ्रेंड्स, ये था 12 राशि वालों के राशिफल का हाल। चलिए अब चर्चा करते हैं नक्षत्रों के विषय में। आज हम बात करने वाले हैं 9वें नक्षत्र की। हम चर्चा करते हैं नक्षत्रों के विषय में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 9वें नक्षत्र की। 9वां नक्षत्र होता है अश्लेषा नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध होते हैं और इनके ऊपर चंद्रमा ग्रह का भी प्रभाव होता है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र तभी होगा जब किसी का जन्म कर्क राशि में होता है और कर्क राशि के स्वामी आप सबको पता है चंद्रमा है। ऐसे में इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों पर जीवन भर बुध और चंद्रमा दोनों का प्रभाव पड़ता है। इनके लिए लाल रंग अच्छा होता है। अब बात करते हैं इनकी शारीरिक रचना की। ये लोग थोड़े से देखने में दुबले होते हैं, लेकिन इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। अब बुध ग्रह का प्रभाव होने के कारण ऐसे लोग बोलते बहुत अच्छा है, धारा प्रवाह बोलते हैं, हसमुख स्वभाव के होते हैं, काफी कलात्मक भी होते हैं। साहित्य और संगीत में इनके विशेष रूप से प्रेम होता है। इनके अंतर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, काफी सफल व्यापारी भी बनते हैं। परंतु इनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि इनके ऊपर बुध और चंद्रमा दोनों का असर होता है। यदि कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति सही नहीं हुई तो ऐसे लोग थोड़े से ज्यादा चालू होते हैं, अपने काम को दूसरों से निकलवा लेते हैं और उसके बाद फिर अपने काम से काम मतलब रखते हैं। थोड़ा सा इनका रूड नेचर भी हो जाता है और इन्हें घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है, पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और इनको अपने आचरण पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। थोड़े से स्वार्थी होते हैं, कामी भी होते हैं, चीजों में आसक्ति जल्दी हो जाती है इनकी। परंतु ये सारी चीजें तभी होंगी जब कुंडली में बुध और चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हो, नकारात्मक प्रभाव दे रहे हो तब। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप सभी को पता होगा कि 6 मूल नक्षत्र होते हैं, उनमें से एक अश्लेषा भी होता है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे हुए बच्चे थोड़े से ज्यादा जिद्दी होते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें, साथ में शेयर भी करें अपने इंस्टा FBN व्हाट्सएप ग्रुप में। आप सभी का दिन मंगलमय हो, प्रभु से यही प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय सियाराम।